फैट एक्युमुलेट होता है, हमारा बेली फैट बनता है हम, जिसकी वजह से हमारे मिनरल्स और विटामिंस भी सही से एब्जॉर्ब नहीं होते, विटामिन डी की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीजों की कमी होती है। तो आप क्या करें, कैसे उन छह कॉजेस से निकला जाए और अपने बेली फैट को कम किया जाए। अच्छा, नंबर वन कॉज मैंने सुबह बताई थी, वो थी कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। होता क्या है कि आप खाना बच्चों का बचा हुआ खा लेते हैं, आप सब चीजें खा लेते हैं, आप घर में रात को कुछ बचा हुआ है वो खा लेते हैं, आप खाने के अलावा आपका मूड होता है आप और बहुत ज्यादा कुछ खा लेते हैं। तो अगर अपनी इस आदत को छोड़ेंगे तो आपका ये बेली फैट खत्म होना शुरू हो जाएगा। जल्दी से बेली फैट नहीं जाता, पूरी बॉडी का फैट जाता है, फिर बेली फैट जाता है, आता सबसे पहले जाता सबके बाद, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लो कैलोरी डाइट करनी है। बहुत सारी अच्छी लो कैलोरी डाइट मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बनाई है, आप 1200 कैलोरी डाइट सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरा पेड डाइट प्लान भी ले सकते हैं, उसके लिए नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छी डाइट करें, आपका बेली फैट जाना शुरू होगा, नंबर वन कॉज थी। नंबर टू कॉज है कि आप अनहेल्दी खाते हैं। बात वही सेम हो जाएगी कि एक तो हम ज्यादा खाते हैं, ऊपर से हम अनहेल्दी खाते हैं, तेल वाला खाना खाते हैं, और हम बाहर के बहुत ज्यादा, हम बेकरी के आइटम बहुत ज्यादा खाते हैं, हम चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। इन चीजों को आपने छोड़ना पड़ेगा। डाइट आप करें ना करें, आप इन चीजों को छोड़ें, देखें आपका वैसे ही बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। आप बेकरी के आइटम छोड़ दें, आप तलावा खाना छोड़ दें, आप चिप्स छोड़ दें, आप रात के खाने के बाद जो भूख लगती है ना हल्की फुल्की, उसमें बहुत भारी कुछ खाते हैं, उसको आप छोड़ दें, हल्का फुल्का ही खाना शुरू कर दें। कोशिश करें रात के खाने के बाद ना खाएं, शाम में भले खा लिया करें। लंच में रोटी स्किप करने की आदत डालें, लंच में ज्यादातर सैलेड्स लेने की आदत डालें, आपका बेली फैट बहुत तेजी से कम होगा। एक कॉज मैंने बताई थी जेनेटिक्स। अब देखिए, जेनेटिक्स का आप कुछ कर नहीं सकते, अपने वालदैन से, अपने नाना दादा नानी दादी से तो आप कह नहीं सकते भाई आप क्यों मोटी थी, कि आपकी वजह से हम भी मोटी हो गई, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपने हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करनी है, आप जेनेटिक्स को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है जी, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज बताई थी उस वीडियो में मैंने, कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो एक बात का तैयार कर लें कि बाहर 24 घंटे में जितने घंटे भी आप जाग रहे हैं, 8 घंटे की तो नींद लें, जितने घंटे भी आप जाग रहे हैं, हर घंटे के 60 मिनट में से मैं सिर्फ 50 मिनट बैठने की मुझे इजाजत है, लेटने की, बैठने की, कुछ भी करना है, 10 मिनट मैंने लाजमी वॉक करनी है। आप ये आदत डाल लें, आपको कोई डाइट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आपका वैसे ही बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने मीनोपॉज का जिक्र किया था पिछली वीडियो में। तो मीनोपॉज जब होता है खवातीन को, तो उस वक्त चाहिए खवातीन को हाई प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें। ये मत सोचें कि बस अब तो हमारी उम्र हो गई, अब तो हम बूढ़े होते जा रहे हैं, अब तो हमें बेड पर बैठ जाना है। यही वो वक्त होता है जब आपकी मसल्स जो है वीक पड़ना शुरू होती है, फैट बॉडी में एक्युमुलेट होना शुरू होता है। तो कोशिश करें अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिव रखें। अच्छा, मैंने एक और बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस वीडियो में, गट बैक्टीरिया की, यानी कि आपके जो स्टमक में, आपके गट में जो बैक्टीरिया होता है, वो हेल्दी बैक्टीरिया अक्सर एंटीबायोटिक्स से, बहुत सारी चीजों से वीक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा फैट एक्युमुलेट होता है, हमारा बेली फैट बनता है हम, जिसकी वजह से हमारे मिनरल्स और विटामिंस भी सही से एब्जॉर्ब नहीं होते, विटामिन डी की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीजों की कमी होती है। तो आप क्या करें, दही का इस्तेमाल करें, ठीक है, आप इस्बगोल का इस्तेमाल करें, आप फाइबर का इस्तेमाल करें, आप अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल ना करें, फर्मेंटेड चीजों का इस्तेमाल किया करें, इससे गट बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया होता है। वैसे प्रोबायोटिक्स की सप्लीमेंट्स भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की इजाजत से। इसके अलावा आप हाई प्रोटीन डाइट करें, नाश्ते में प्रोटीन ज्यादा लें, रात के खाने में प्रोटीन ज्यादा लें, रात के खाने में हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन रोटी छोड़ें, दोपहर के खाने में रोटी कम करें, सही है, नाश्ते में रोटी कम ना करें, रोटी खाया करें, सीरियल्स खाया करें, इन चीजों पर अमल करें, आपका बेली फैट बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा होम वर्कआउट की बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, होम वर्कआउट करें बेली फैट के लिए। कार्डियो वर्कआउट किया करें, कम से कम हफ्ते में 4 दिन 10 से 15 मिनट का कार्डियो वर्कआउट किया करें, ये भी आपका बेली फैट कम करने में बड़ी मदद करता है। इन चीजों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका बेली फैट खत्म होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।